close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एक नए ब्लॉग में। आज हम आ चुके हैं अपने खेतों की तरफ, तो आप लोग को हम दिखाएंगे अपने खेतों जो इधर सब्जी वब्जी बोया जाता है, बैंगन और हर एक सब्जी इधर गोभी भी बोया जाता है, तो हम लोग आप लोग को दिखाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और इधर का जो है पूरा सरसों बोया गया है और हम आप लोग को दिखा रहे हैं चारों तरफ, बहुत अच्छा लगता है इधर हर एक सब्जी बोया जाता है। और आज मौसम अच्छा हुआ है, काफ़ी ठंड थी लेकिन आज धूप हुआ है, तो आज हम निकले हैं ब्लॉग शूट करने के लिए। काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बन पा रहा है ठंडी की वजह से, तो इसीलिए थोड़ा लेट से ब्लॉग आ रहा है, तो आप लोग हम दिखा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, आगे चल के दिखाते हैं आप लोग को। तो इधर देख सकते हैं आप लोग, पूरा बैगन है, काफ़ी ज़्यादा बैगन बोया गया इधर, पूरा अच्छा अच्छा से बहुत ज़्यादा फरा है। अंदर बहुत घना है इसलिए अंदर नहीं दिखा रहे हैं, बाहर से आप लोग को दिखा रहे हैं। काफ़ी बैगन फरा हुआ है इधर, जाली लगा है जो कि जीव जंतु अंदर ना जा सके, जंगली जानवर। और काफ़ी बड़ा खेती है, बैगन ही ज़्यादा बोया जाता है, बैगन खेती है। तो इधर पूरा आगे तक पूरा बैगन है, उसके बाद आगे पूरा गोभी है, उधर भी आपको दिखाएंगे हम, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और काफ़ी खूबसूरत लगता है इधर सब्जियों खेतों में आके, जो कि पूरा बैगन है इसे आप लोग देख सकते हैं, और आगे हम आप लोगों को भी दिखाएंगे। आज मौसम अच्छा है तो निकले हैं ब्लॉग बनाने के लिए, काफ़ी कम से कम 10-12 दिन हो गया वीडियो नहीं आ पा रहा था, ठंडी की वजह से कहीं जाने को नहीं हो रहा था, तो आज निकले हैं। तो ये पूरा खेती है बैगन का इधर चारों तरफ, आप लोग देख सकते। पूरा मूली है, उधर आगे बैंगन का खेत है, और ये मिर्ची लगाया गया है, पौधा भी छोटा छोटा है, उसके साइड साइड में बकला है, देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी अच्छा लगता है, हरा भरा है, खेती का मौसम पूरा भाजी होता है इधर, सब मिर्ची का पौधा लगाया आगे, अभी छोटा है, और बकला है साइड में, आगे लहसुन का भी है, देख सकते हैं आप लोग लहसुन कैसा, अभी छोटा बैठा नहीं है, अभी तो निकला है। और काफ़ी इधर पूरा
देख सकते हैं आप लोग, उधर बैंगन का खेती आप लोगों को दिखाया ही है, और इधर फ्लावर अभी लगा हुआ है, अभी छोटा छोटा बीज है, देख सकते हैं आप लोग कितना दूरी पर लगाया गया है। बस देखिए आप लोग कितना अच्छा लग रहा है हमारा, इधर भी लगा है देख सकते हैं आप लोग, और इधर फुलावर अभी लगा है, अभी इसमें हुआ नहीं है, अभी छोटा छोटा पौधा बड़ा हो गया, लेकिन अभी इसमें फ्लावर इसमें अभी छोटा ही छोटा है, आप लोग को दिख रहा होगा कहीं कहीं, वैसे दिख नहीं रहा है, मगर इसमें फ्लावर छोटा छोटा फूल अंदर हो गया है, और पूरा बड़ा खेती है ये, देख सकते हैं आप लोग बड़ा खेती आप लोग दिखा दे रहे हैं बैक कैमरे से आप लोग को, पूरा फ्लावर ही है जो कि इसमें छोटा छोटा फूल आ गया है अंदर, पौधा बड़ा हो गया है, और इधर का भी आप देख सकते हैं आगे पूरा बैंगन ज़्यादा लगाया गया है, और इधर बैंगन का खेती इधर है आप देख ही रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है ठंडी के मौसम में। आज मौसम भी अच्छा है तो हम लोग वीडियो बनाने के लिए निकले हैं, काफ़ी मौसम हम लोग का ब्लॉक नहीं आ रहा था, तो फ्रेंड आप लोग देख ही रहे हैं, और इधर देख सकते हैं आप लोग केला, हमारा दोस्त हम लोग आए हैं इधर ब्लॉगिंग करने, और एक केला है, सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब क्यों नहीं करेंगे, देखेंगे वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और केला देख सकते हैं आप लोग, अभी पतला है केला, अच्छा अभी इस पौधा में अच्छा ऐसे मोटा नहीं होगा, ऐसा लगता है मर चुका है, फोड़ डालो देख सकते हैं वाले बटन को, इसको गोनी में भर दिया गया है ताकि कोई तोड़े नहीं, पूरा गोनी लगाया गया आप देख सकते हैं ताकि कोई तोड़े नहीं, और ये आगे फ्लावर, और पूरा आगे बैगन है फ्लावर के बाद, और ये चारों तरफ आप देख सकते हैं कैसा हम लोग का गांव है, जो गांव में खेती होता है, जो लोग गांव नहीं रहते हैं उन लोग के लिए वीडियो बहुत अच्छा लगेगा देख के, जो गांव में रहते हैं, जो शहरों में चले जाते हैं गांव की याद आती है, तो वीडियो देख के ही अपने जो होता है उसको याद को ताज़ा करते हैं, देख सकते हैं आप लोग, और आगे वो मूली जो निकाल रहे हैं मार्केट में बेचने के लिए, और ये चारों तरफ का व्यू आपको बहुत खूबसूरत नज़ारा है देख सकते हैं आप लोग, एक मड़ई है जो रात को आदमी इसमें सोते हैं तो कि जीव जंतु आकर फसल को बर्बाद ना करें, बहुत मेहनत से सिंचाई होती है, बहुत मेहनत लगता है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, और आगे आप लोग को दिखा रहे हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays, and I... फ्रेंड देख सकते हैं इधर का ये लोकेशन है, इधर भी सरसों खेती है, और अंदर गन्ना बोया होगा, और इधर चक्रोड है, पीछे हमारे दोस्त हैं जो इनका GN ब्लॉग है, ये भी साथ में है, एक बार हाय कर दो, इनका भी चैनल का सपोर्ट करिएगा GN ब्लॉग, और ये बगीचा और गेहूँ देख सकते हैं आप लोग कितना हरा भरा गेहूँ है, तो आप लोग प्लीज़ हमारा वीडियो देखिए अच्छा लगेगा, और आप लोग इससे अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग को हम शूट करके दिखाएंगे ब्लॉग बना के, और अच्छा मौसम होएगा तो अच्छे अच्छे जगह पर दिखाएंगे आप लोगों को, शहरों में भी चल के, तो कहीं से भी देख रहे हो, इधर पूरा खेती ही है पूरा चारों तरफ, हम लोग आज खेत की तरफ आए थे, मौसम अच्छा हुआ था तो धूप हुआ था आज, और इधर पूरा भाजी जो भी है था आप लोग को दिखाए हैं, तो आप हम चलते हैं, काफ़ी देर हो चुका है,
तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आगे भी थोड़ा है दिखा देते हैं वो भी, तो फिर आप लोग प्लीज़ देखिएगा हमारा वीडियो, देखते हैं आगे क्या है। और तो देख सकते हैं फ्रेंड, ठंडी लगने लगी है और हम जैकेट पहन चुके हैं, तो आगे थोड़ा और देखते हैं और क्या है। और काफ़ी ठंडी लग रही है, हमारे दोस्त पीछे बाइक लेकर आ रहे हैं, और काफ़ी दिनों से हम ब्लॉग शूट कर, अभी जाता है हमारे चैनल को नहीं हुआ है, लोग ब्लॉग देखते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे हल्दी लगा हुआ है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। और गन्ना आप लोग पिछले वीडियो में बताया था, गन्ना हम लोग इधर भी ज़्यादा होता है, तो इधर गन्ना खेती है, और इधर जो मसूरी बोला जाता है, मसूर का दाल जो होता है, कोई चीज़ इसमें बोया गया है खेत में। और इधर पूरा गन्ना है हमारे पीछे, देख सकते हैं आप लोग। आगे हल्दी खेती है, वो भी हल्दी आपको दिखा रहे हैं। और हमारा जो भी वीडियो आता है तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा, और अच्छा अच्छा वीडियो हम बना के आप लोग को दिखाएंगे। और प्लीज़ हमारा वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, सिर्फ देख के ना छोड़िएगा, और कमेंट भी कीजिए अगर अच्छा लगे तो भी, ना लगे तो भी। और एक रोड इधर जाता है आगे खेत में, और ये देख सकते हैं पूरा हल्दी है, पूरा हल्दी है, एक रेडी हो चुका है, और हल्दी मतलब कटने को तैयार है, अभी पूरा पत्ता सूख जाएगा जैसे ही, थोड़ा बचा और थोड़ा सहारा है, जैसे ही सूखेगा वैसा ही ये कट जाएगा। और एक बीच में कटहल का पेड़ है, देख सकते हैं आप लोग, और बहुत अच्छा है, खूबसूरत लगता है खेत में आके। तो आप लोग कहीं भी इससे देख रहे हो तो आप लोग भी इधर ऐसा होता है, जो बाहर रहते हैं प्रदेश में जाकर, लोग गांव की याद आती है तो वीडियो देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है, और जो शहरों में रहता है उन लोगों के लिए भी ये वीडियो देखेंगे तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। पेंटिंग काम चालू है और अंधेरा होने वाला है, अब अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में, ठंडी लगने लगी है, जैकेट पहन लिए हैं। तो फिलहाल था आज का ये, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड हमें बताइएगा हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा आज का पूरा, आप लोग को हम अपना खेत और पूरा जो भी फ्लावर वाला लगे सब बैगन दिखाएं आप लोग को, और एक हम लोग का गांव का जो खेती है पूरा इधर सब्जियां होती है, तो प्लीज़ हमें बताइएगा हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। काफ़ी मेहनत से हम लोग ब्लॉग शूट करते हैं, ठंडी की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद ये ब्लॉग हमारा आया है और शूट करने के बाद धूप हुआ था और मौसम अच्छा हुआ था, इसलिए आज ब्लॉग बना रहे हैं। फिर ब्लॉग हम कोशिश करेंगे बनाएंगे, अच्छा मौसम होएगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनाएंगे आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।